और चलिए अब शुरू करेंगे हरियाणा की आवाज। और हरियाणा की आवाज में आज हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर। हरियाणा में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। मनोहर सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर मनोहर सरकार ने पूरी तरह से लगाम कसी है। बीजेपी अपनी पारदर्शी नीतियों के सहारे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन पर आज तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। इस बीच आज हम हरियाणा की आवाज में पूछेंगे कि क्या मनोहर सरकार में प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है या फिर नहीं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से आप कितने सहमत हैं, इसको लेकर आपको अपनी राय देनी है। आप हमें कॉल करिए, अपनी राय दीजिए और आप हमें बताइए कि क्या मनोहर सरकार में वाकई में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, जो दावा राजनाथ सिंह की ओर से कल किया गया। सवाल यही है कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा है, जो बयान उन्होंने कल दिया, उसको लेकर आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या राय है? आपको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? क्या सरकार से अब डरने लगे हैं भ्रष्टाचारी? क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से भ्रष्टाचारी डरने लगे? सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार पर विपक्ष क्या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत करता है, और क्या इस पर सियासत करना ठीक है, उचित है? और चलिए आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ हैं भिवानी से। ज्वाला प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी बोलिए। जय गौ माता जी। देखिए, जो आज भ्रष्टाचार का जो मुद्दा चल रहा है, ये आज से नहीं, काफी सालों से, लगभग जो है ना, हम तो ये कहेंगे कि 70 सालों का ही आकलन कर लीजिए, पीछे का जो रिकॉर्ड का इतिहास है वो ही देख लीजिए। अब से लेकर आज तक बहुत ही लूट खसोट मचाई है जी। अब हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, ऐसे ऐसे मीर जाफर हुए हैं, जैसे सुश्री जयललिता थी, जयललिता जी 125 रुपए सैलरी अपना वेतन के रूप में, एक नाम मात्र का, जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो 125 रुपया लेती थी जी। पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक के अंदर बहुत अच्छी साफ छवि है ललिता जी की जी। तो जयललिता के पास जब सीबीआई का छापा पड़ा था, तब सोना और चांदी करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए का जो है भंडार मिला, और तब पता चला 125 रुपए सैलरी लेने वाली जयललिता के पास इतना भंडार कहां से। चलिए बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी। मास्टर आर के काले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक मास्टर आर के काले जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये मुद्दा बहुत अहम है जी, और ये मुद्दा बरसों से चलता आ रहा है, कई बार चर्चा हुई। भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरे अजीज भाई इतना आसान नहीं है जी। हम यहाँ थोड़ा लोकल होने की वजह से, थोड़ा समाज से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, हम तकरीबन सभी जो सियासतदान उनको जानते हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड थी, उनके क्या हालात थे, और 5 साल के बाद वो क्या बन चुके हैं, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता जी। यथा राजा प्रजा सबसे पहले, ठीक है मैं भी भ्रष्ट हो सकता हूँ, हालांकि मैं हेडमास्टर रहा हूँ, हमने तो कभी आज तक स्कूल से एक पेपर तक नहीं लेकर आए, अपने घर कार्बन तक लेकर नहीं आए। जब तक हमारे जो शासकदान है, हुक्मरान है, वो अपने आप को ईमानदार साबित नहीं करते पब्लिकली, तब तक देखिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ के खत्म हो जाए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जी, देखिए भगवंत मान ने या माननीय केजरीवाल ने वन पेंशन का उसने ये चलाया एक अभियान, वन पेंशन का जी, तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। चार चार पेंशनें ले रहे हैं शासकदान, चार चार पेंशनें, पांच पांच पेंशनें, ये भी भ्रष्टाचार है, मैं तो भ्रष्टाचार कहूंगा इसको। और जो इनके फंक्शन है, जो इनके उत्सव है, जो इनके समारोह है, वहां पे मेरे अजीज भाई करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, कमाल की बात है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मास्टर आर के कालिया जी। तो मास्टर आर के कालिया जी की ये राय है, लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय रखिए, आप भी हमें बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं।
आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है और बीजेपी हमेशा से कहती रही है, या जहां भी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी है। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है? अंबाला से महीन आवाज साथ जुड़ गए हमारे एक और दर्शक। जी महीन जी, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? महीन जी, आवाज आ रही है आपको, मेरी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। चेन्नई से प्रेम हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। प्रेम जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। पक्ष की सरकार हो विपक्ष की सरकार के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार अगर खुद ही सरकार करती है तो कैसे भ्रष्टाचार से बोलती है कि मनोहर सरकार कमती कर दिया। आज देखे सर, खाली मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं सर, क्यों होता है भ्रष्टाचार? रोटी कपड़ा और मकान जी। और अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठे करने या चोरी करना या झूठ बोलना, कुर्सी के लिए उसकी ताकत लगाना। तो आज आप देखें सर, ये जितने भी आदमी है, जितने भी मंत्री है, जहां भी इनका गठन होता है प्रदेश सरकार में, उसमें बोलते हैं 20 मंत्री दागी हैं, 25 मंत्री दागी हैं, पुलिस के लिए बोलते हैं वहां भ्रष्टाचार है। तो सर भ्रष्टाचार कहां कमती हो रहा है? रोटी कपड़ा मकान के लिए लगे हैं, लेकिन आज आप इन मिनिस्टरों को पूछिए सर, इनके जीवन में कभी रोटी कपड़े मकान की तकलीफ आई? आज राजनाथ साहब ने जो भाषण दे दिया, ठीक है सर, वो जब घर से काम के लिए निकलते हैं उनके लिए हर चीज तैयार रहती है, उनके सारे प्रोग्राम बने रहते हैं, जाके भाषण दे देते हैं, रात में रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है। आज मनोहर लाल जी को सब मिल जाता है, आम जनता के लिए कौन परेशान है सर? वो कहाँ से खट के कमाई करता है? बसों में जाते हैं, धक्के खाते जाते हैं, गिरते जाते हैं, एक्सीडेंट होते जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं हमारे, और उसके बाद नौकरियों से वापस लौट के आते हैं, 4 रुपए हाथ में आते हैं जिसमें 6 रुपए का हमको अन्न खरीदना पड़ता है, 2 रुपए हमको उधार लेके काम करना पड़ता है। सर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये इन नेताओं को पूछिए, ये कुर्सी पर बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हवाई जहाज में उड़ के, और जो रोटियां खाते हैं ये, वो रोटी एक गरीब को देने लग जाए, ये जो मीटिंगें करते हैं उसका खर्चा अगर गरीबों में बांटने लग जाए तो आज देश कितने तरक्की कर जाएगा। भ्रष्टाचार खाली हमारे मंत्रियों में है सर। आज एक पीएम साहब के एक ब्रेड की कीमत देखिए और एक गरीब जनता की रोटी की कीमत देखिए सर। इनका एक तोला देखिए, इनका सर मिनिस्टरों का एक तोला देखिए कितना खर्चे होते हैं, और एक जनता की भूख देखिए सर, देखने के लिए कितने नौजवान हमारे भूखे फिर रहे हैं। खाली सर बात बनाने से भ्रष्टाचार खत्म होता है सर? भाषणों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। आज आप इतने छोटे जो दमदार आदमी है, जितने भी मीडिया आदमी है, खाली इनके पक्ष में दिखाते हैं सर, जनता के पक्ष में दिखाने की चेष्टा करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सूरज भान हमारे साथ हैं सिरसा से, हमारे एक और दर्शक। सूरज भान जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या आप ये प्रोग्राम करते हैं सरकार पे कोई कांटे रूल वो जूल रहती है सर, या आप ये उन्हीं की तरह जुमलेबाजी कर रहे हैं? ये चैनल वाले कर क्या? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी अपनी राय रखिए, आप भी हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप भी अपनी राय को रख सकते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या वाकई में प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कुछ कहा, क्या उसको लेकर आप सहमत हैं? आपको लगता है कि वाकई में जब से मनोहर सरकार पिछले 8 साल से प्रदेश में आई है, तब से प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है उसमें काफी कमी आई है, उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा सकता है, और ना ही दाग अब तक लगा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की मनोहर सरकार, इसको लेकर आपका क्या कहना है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय दीजिए, आप हमें बताइए कि वाकई में ऐसा है क्या, और आपको लगता है कि करप्शन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की जाती है उसमें किसी तरह का कोई दम आपको नजर आता है या फिर नहीं? सवाल यही है कि क्या मनोहर सरकार में कम हुआ है भ्रष्टाचार? क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है? भ्रष्टाचार का जो ग्राफ पहले बहुत ज्यादा ऊपर था, अब धीरे 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 पिछले 8 सालों में उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, और सरकार लगातार इस पर अंकुश पाने की कोशिश भी कर रही है। सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन के खिलाफ हमारी है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कल जो बयान दिया पंचकुला में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने मनोहर सरकार की जमकर पीठ थपथपाई, बार बार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने जो नीति अपनाई है मैं उसकी तारीफ करता हूं, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर प्रदेश की मनोहर सरकार, दोनों ही सरकारों पर भ्रष्टाचार का एक भी दाव पिछले 8 साल में नहीं लगा। शक्तिकांत हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। जी शक्तिकांत जी, जी क्या कहेंगे आप, क्या राय आपकी? सर मैं तो ये बात कर, जैसे अपने मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री वो तो बहुत अच्छे हैं जी, ठीक सर, वो तो ईमानदार है, जो आगे अब फिर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। हाँ जी हेलो, हाँ शक्तिकांत जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। और सर आवाज आ रही है, मैं ये चीज कह रहा हूँ, अपने मनोहर सरकार तो बहुत अच्छी है जी, अनिल विज जी, इसमें कई मंत्री बहुत अच्छे हैं जी, जी जो आपके भ्रष्टाचार कर सरकार लगाम गवर्नमेंट कहना अफसरों से तो नजारा जी, एक्शन लेती ना सरकार इसमें। नहीं सर कह रहा हूँ, जैसे गुड़ा चिकित्सा यहाँ पे देखे सड़कों बहुत बुरा हाल है जी, एक बार सर सीएम दौरा कर गुड़ा चीके आप पता रहे कितना भ्रष्टाचार है गुड़ा चीके में जी। जी हाँ जी, ये आवाज हमारी खट्टर साहब तक पहुंचा होगी, ये रिक्वेस्ट करें सर आपको। चलिए बहुत धन्यवाद आपका शक्तिकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। शक्तिकांत जी का यह कहना है कि इस सरकार में और कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बिल्कुल पाक साफ हैं और उनका जो काम है वो देखते ही बनता है, बहुत अच्छा ये सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं उनको ये लगता है कि जो ठेके दिए जा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वहां पर कुछ गड़बड़ उनको जरूर नजर आती है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या आपकी भी ऐसी कोई राय है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में करप्शन पर एक बड़ी चोट अगर किसी ने की है, भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट अगर किसी ने की है तो वही सरकार है, मनोहर सरकार, जिसने करप्शन को लेकर सतर्कता बरती, जागरूकता फैलाई, लोगों के बीच में अलर्टनेस दिखाई और उसका असर यह है कि अब ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से नंबर आप नोट करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को रख पाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि करप्शन को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए पिछले 8 साल में, क्या आपको लगता है कि वो काफी हैं, आपको लगता है कि वो नाकाफी हैं, आपको लगता है कि और ज्यादा इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जो कुछ कहा गया उससे आप सहमत हैं? और शक्तिकांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जी क्या कहेंगे आप, आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे नेता जी, हाँ जी हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए। जो अपने खट्टर साहब राम वो तो बहुत अच्छे हैं, अनिल विज जो इसमें बहुत मंत्री अच्छे हैं जी, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए जी, ये हमारे सीएम तो बहुत अच्छे आदमी है जी, जी हम तो ये कह रहे हैं अगर हमारे गुड़े चीर के अंदर भी सर है दौरा कर दें सीएम साहब, यह सड़कों बहुत बुरा हाल है जी, इतना भ्रष्टाचार हमारे कोई गौर नहीं कर रहा सर, एक रिक्वेस्ट करें आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचाओ सीएम तक, गुड़े चीर के अंदर एक बार सीएम को जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका शक्तिकांत जी, तो शक्तिकांत जी ने एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहराया, उनका यह कहना है कि मनोहर सरकार अच्छा काम कर रही है, आप अनिल विज का भी वो उसमें नाम ले रहे हैं, उनका कहना है कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है उनके इलाके में, और सड़कों को बनाने में जो खेल हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों का ये हाल बेहाल है। और राजेश हमारे साथ हैं सोनीपत से, हमारे को दर्शक, राजेश जी आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, जी नमस्कार जी, ये और सरकार है इसमें भ्रष्टाचार सीमा पर है जी, इसका कारण ये है कि मनोहर सरकार ने कोई भी रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगारी को लेने के कारण भ्रष्टाचार बहुत ही सीमा पर है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल मानी समय चली गई है, और जो आम आदमी है उसको रोटी खाने भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि तेल है, गैस है, कोई और भी है जी, कोई आई हो, और जो बीजेपी हो बताइए जी। बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आज से नहीं दशकों से चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी सरकारें, कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि किसके दावों में कितना दम आपको नजर आता है
और कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको लगता है कि चाहे इससे पहले की सरकार रही हो, चाहे वो प्रदेश में इनेलो की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो या इसके पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार थी, अब गठबंधन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर ज्यादा काम किया गया, भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए, भ्रष्टाचार पर हथौड़ा चलाने के लिए ज्यादा काम किया गया? क्या है आपकी राय, आप हमें कॉल करिए। यमुनानगर से हमारे साथ अनिल है, हमारे एक और दर्शक। अनिल जी क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? मेरी राय तो यह है जैसे ये बीजेपी जी एमपी मंत्री के हैं, इनकी भी ईडी आईडी की सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, जब पता लगेगा भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार कम हुआ या ज्यादा। मेरा तो यही कहना है सर। बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। वेद प्रकाश जी आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी नमस्कार माननीय महोदय जी। जी नमस्कार। मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूँ। जी 11 जुलाई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट बॉडी सदस्य वेद प्रकाश पांचाल ने गवर्नमेंट आईटी जींद में औचक स्वच्छता निरीक्षण किया था। जी उसी दौरान जो अग्निरोधक यंत्र होते हैं सिलेंडर, जिनको पर्ची तो स्लिप लगा रखी थी, वो एक महीना पहले पाए गए हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया उनमें कुछ भी नहीं था, वो खाली मिले। जब इसके अलावा छत पक्की का काम जो रिपेयर का काम था वो नई टाइलों से होना था, वो पुरानी टाइलों से ही करके सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई, और उसकी रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 14 जुलाई को ईमेल से और 19 जुलाई को रजिस्टर्ड पोस्ट देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई ना होना, और जबकि वो जो स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य हैं वो अनुबंध आधार अनुदेशक भी है उसी आईटीआई में, उसकी उस काम के बदले में खुनक रखते हुए उसकी 8 दिन की तनख्वाह 9,144 रुपए काट देना, ये बड़ा दुखद विषय है। जबकि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई एक जो ईमानदार व्यक्ति है उस पर की जा रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। के चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, इस पे तुरंत संज्ञान लेकर और भ्रष्टाचार करने वाले वित्तीय हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुग्राम से राम हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। राम जी आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? सर जी मैं टाइम पटना से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, पिछली सरकारों में भी भ्रष्टाचार था जी, और बल्कि राजे महाराजा से भी था, लेकिन हमारे को मोदी जी ने सपने दिखाए थे मैं जड़ से खत्म कर दूंगा भ्रष्टाचार। जड़ से खत्म करने की बजाय बे इंतहा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आप जिस डिपार्टमेंट को मैं उस डिपार्टमेंट से करके दिखा देता हूँ, और बल्कि रिश्वत बढ़ चुकी है। महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी में कोई डिबेट नहीं हो रही, ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, लेकिन जनता कहाँ घूम रही है, गुमराह हो रही है, ये आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये जनता को सोचना होगा और हमारे नेशनल चैनल और खासतौर पर चैनल का भ्रष्टाचार बे इंतहा बढ़ चुका है, और अब जो हमारे को सपने दिखाए थे वो सपने चूर चूर हो चुके हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। गौरीशंकर जी आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वाकई में देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, या आपको लगता है कि इसमें इजाफा हुआ है, या सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, उचित है? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ जी। मैं फरुखनगर से हूँ, मैंने फरुखनगर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की इतनी शिकायत मुख्यमंत्री जी को की, लेकिन अधिकारियों ने सारी झूठी रिपोर्ट पेश कर उन फाइलों को दबा दिया जी। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, रोड जो बने हैं सारे गंदे रोड टूट गए, विधायक जी ने उद्घाटन करना था वो भी टूट गए उद्घाटन करने से पहले ही जी। लेकिन अधिकारी ने सीएम विंडो पर झूठी रिपोर्ट पेश करी। बहुत धन्यवाद आपका गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था साल 2011 में, आपको याद होगा, और उसका असर यह हुआ कि यूपी की सरकार 2014 में बदल गई, एनडीए की सरकार आ गई, देश में अभी भी एनडीए की सरकार है। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि एनडीए की सरकार देश के अंदर आने के बाद करप्शन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, करप्शन से लड़ाई लड़ी जा रही है, सही दिशा में जा रही है, इसको लेकर आपको राय अपनी देनी थी, समय अब बचा नहीं है, और इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।